नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। देहरादून को वैसे तो उत्तराखंड की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन देहरादून खूबसूरत वादियों और अपने खूबसूरत एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के दून वैली रिजॉर्ट के ठीक सामने। और ये रिजॉर्ट यहाँ पर मौजूद है, चारों तरफ पहाड़ हैं और मैं आपको यहाँ पर का नज़ारा दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हरियाली नहीं है क्योंकि ये मौसम अभी थोड़ा पतझड़ का है, लेकिन जैसे जैसे बरसात आएगी और यहाँ पर और ज़्यादा खूबसूरत ये पूरा मौसम क्लियर हो जाता है तो ये पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। वैसे तो देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और जो यहाँ का नेचर है उससे भी पर्यटन यहाँ आकर्षित होते हैं। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में पर्यटन आते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सहस्त्रधारा पर, सहस्त्रधारा रोड। देखिए आप मेरे ठीक सामने, यहाँ पर इसे कहते हैं सहस्त्रधारा रोड। यहाँ से ठीक जाके एक धारा है जहाँ पर लोग इन्जॉय करते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं। और ये देखिए चारों तरफ जो पहाड़ हैं और खूबसूरत वादियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। फिलहाल अभी यहाँ पर ये सूखा हुआ है, पतझड़ है, लेकिन जैसे जैसे बरसात आना शुरू हो जाएगी तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है और यहाँ पर ये पूरे पहाड़ जो है और ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं यहाँ की खूबसूरती पर, और इसीलिए लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है द दून वैली रिजॉर्ट है ये यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ पर घूमना चाहते हैं। देहरादून खासकर यहाँ पर पर्यटक इसीलिए आते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह यहाँ पर हैं। सहस्त्रधारा के आसपास भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं, और ठहरने के लिए लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं आपको आज दिखाऊँगी कि यहाँ पर एक किफ़ायती दामों में आपको ठहरने के लिए भी। कुछ भी मंगवा सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पर बैठ के आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। सारी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डस्टबिन वगैरह यहाँ पर सब कुछ है। और जैसे कि आप ठीक सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो यात्री हैं यहाँ पर आ रखे हैं, पर्यटन हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर और ठहरे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। और इस वाले रिजॉर्ट में आप देखिए इसमें जो ये जो प्रॉपर यहाँ पर एक नेस्ट है, मच्छरदानी लगाई गई है ताकि मच्छर ना हो, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों के टाइम में मच्छर का भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर ये पूरी सुविधा आपको मिल जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ठहरकर हमने शायद पूरा पैसा वसूल कर लिया है, क्योंकि किफ़ायती दाम पर आपको यहाँ पर रहने को भी मिल जाएगा। अभी ओनर से हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि और क्या क्या सुविधाएँ हैं। जो बाहर से दिख रहा था वो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, आइए जानते हैं वो कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मनीष सिसोदिया है। आप कहाँ से आए? मैं सेंसर रोड से आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? सबसे पहली बात है जो नेचर और जो है पहाड़ दिख रहा है यहाँ पर आके तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मेन चीज़ जो है कि कैंपिंग है यहाँ पर।
ये बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि और यहाँ जो शेफ है, यहाँ का जो फूड है A1 क्वालिटी, यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, तो क्या आप लिख रहे हैं कुछ कि यहाँ पे पहाड़? क्योंकि ज्यादातर पोएट्स होते हैं, कोई एक आर्टिस्ट होता है तो सामने मैं पोएट नहीं हूँ, मैं थोड़ा अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, बट ये यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे खाने का? सब चीज़ स्पेशल पर अगर कोई मोमोज यहाँ के चेक करेगा और चिकन खाएगा तो मैं बोलूँ सबको सजेस्ट भी करूँगा कि आइए जरूर, चिकन और मोमोज जरूर खाएं यहाँ के। मेरा नाम अजय है, मैं भी देहरादून से आया हूँ। देखो, दिन भर आदमी बड़ा व्यस्त रहता है आजकल, तमाम बहुत सारे काम रहते हैं, दिन भर की थकान को दूर करने के लिए हम अक्सर अब आने लगे हैं यहाँ शाम को, क्योंकि यहाँ नेचर अच्छा है, पूरी शांति है, पानी भी है, ये चहचहाट उस शहर में रहते हैं, शहर का हॉर्न ये सब वो शोर बड़ा ही सरदर्द वाला रहता है, तो दिन भर की थकान को दूर करने के लिए हम अक्सर यहाँ पे शाम को आके बैठ जाते हैं, थोड़े स्नैक्स खा लेते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगने लगा हमें, धीरे धीरे आने लगा। और मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को कि एक बार यहाँ के जरूर देखें, यहाँ मोमोज खा कर जैसे बयाने के। और जैसे कोई बाहर के हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, तो वो क्यों आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर और क्या कुछ है इस रिजॉर्ट के अलावा, और क्या कुछ है यहाँ पर? सहजरा में देखो, ये सैटरडे संडे को इन्जॉय करने के लिए हर कोई यहाँ आता ही है, बाकी दिल्ली हरियाणा में वो जैसे प्लेन्स का एरिया है, दिन भर बिजी शेड्यूल धूल भरी, यहाँ आते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, पहाड़ देखते हैं, अच्छा लगता है, रिलैक्स करने के लिए बढ़िया है पहाड़। और ये है कि बाकी ये भी कहना चाहूँगा मैं, अगर कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ आता है कि यहाँ आए, इंजॉय करे, साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखे, ताकि अगली बार वो आए तो उन्हें वही मज़ा हर बार आए जो वो पहली बार आने में उन्हें आता है। देखिए, जो फैसिलिटीज़ मुझे बाहर से दिखाई दे रही थी वो मैंने आपको बता दी हैं वहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ देखिए, पूल भी है यहाँ पर, अगर किसी को एंजॉय करना है पूल पे, गर्मी का मौसम है और अगर किसी को नहाना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान ले दे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से उत्तराखंड से हूँ, मतलब ये देहरादून से हूँ मैं, और मतलब मुझे ये सहजरा बहुत अच्छी ये प्लेस लगती है एडवेंचर के लिए। देखिए यहाँ पर ये और क्या क्या आपको यहाँ पर अच्छा लगता है? एक तो ये हो गया सहस्त्रधारा खासकर, और भी देखिए यहाँ पर, देखिए देहरादून में बहुत सारी जगह हैं, आप कहीं भी जाए आपको ऑलवेज मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो देखो अब काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ मैं बहुत अच्छी से बोलना चाहता हूँ कि देखो, उत्तराखंड का कोई है यहाँ से तो वो यहाँ पर अपना कुछ जैसे स्टेप से, जैसे हमारे ये मित्र लोगों ने किया है तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जैसे कोई बाहर से आके यहाँ पर करता तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि अब औकर लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई उत्तराखंड का आके यहाँ पर, यानी कि आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग ही यहाँ पर अपना स्टार्टअप करें, बाहर से आके कोई ना बसे? मैं ऐसा बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आके करें तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों, आप भी सोच रहे हैं क्या कोई स्टार्टअप? सोच रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन मैं मतलब कि उत्तराखंड में जरूर ये चीज़ करना चाहूँगा। और आपने यहाँ पे कौन सी जगह घूम ली है, गुच्चू पानी वगैरह? मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जगह ये कवर कर रखी है देहरादून में जो जगह, लेकिन मुझे मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि बाहर के लोग वहाँ आकर मतलब कि अपना बाहर के लोग यानी कि यहाँ घूमने आए लेकिन यहाँ पर अपना स्टार्टअप ना करें, स्टार्टअप ना करें। और मैं उत्तराखंड के हर एक निवासी से कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ आकर खुद अपना वो करें, क्योंकि आपकी अपनी ज़मीन है तो भाई अपना वो करिए, क्योंकि बाहर के मतलब ये लोगों को वो ना दें, मौका ना दें बस। देखिए, रिजॉर्ट में मैंने आपको दिखाया, कैंप दिखा दिए थे जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ है, मच्छरदानी है, वहाँ पर दो बेड है, आप पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, पूल दिखाया आपको। अब मैं एंट्री कर रही हूँ रूम, ये आप देख सकते हैं ये रूम, और यहाँ पर एसी है, प्रॉपर लाइटनिंग है और फैन आपको मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी तो नहीं है अभी, लेकिन एसी की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो तो बस ये है कि मॉर्निंग मतलब दोपहर के टाइम आपको थोड़ा होता है कि चला लो एसी, वरना जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे एसी। रिजॉर्ट के ओनर निखिल जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। सर, क्या क्या अगर कोई कस्टमर आता है तो क्या क्या फैसिलिटीज़ उसको मिल जाती हैं? देखो, अगर मैं यहाँ पे सहस्त्रधारा मेन सहस्त्रधारा की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि सभी होटल्स हैं, किसी को भी कॉमन एरिया बैठने के लिए नहीं मिलता है बाहर, और हमारे पास एक्स्ट्रा कॉमन एरिया है, पार्किंग है हमारे पास, आराम से 20-30 गाड़ियाँ हम यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, कैफेटेरिया भी है ऊपर, बड़ा किचन है, कैंप्स हैं, रूम है हमारे पास, एसी रूम्स हैं। और सर, बजट बहुत मायने रखता है जो भी घूमने आता है, तो क्या आपका ये रिजॉर्ट उनके बजट को मेंटेन कर पाता है? मैम, बजट बिल्कुल मेंटेन कर पाता है, क्योंकि नीचे जो प्राइजेज हैं हमारे प्राइजेज उनसे काफ़ी कम हैं। अगर मैं पूछूं आपसे एक रूम का तो लमसम कितना होगा? 1500, अब जैसे हमारा खाली रहता है थोड़ा तो हम 1500 एक दिन का और एसी रूम्स वगैरह का। और जब और खाने के लिए क्या क्या मेन्यू में होगा उनके लिए? खाने के लिए हमारे पास वेज, नॉन वेज, स्नैक्स में स्टार्टर वगैरह में सब कुछ है, वेज भी है, नॉन वेज भी है, पनीर टिक्का वगैरह, चिकन वगैरह सब कुछ है। जो सबसे यहाँ पर फेमस चीज़ है वो क्या है खाने में?
मैम फेमस के लिए बात यह है कि मेरे जो मेन्यू कार्ड में जो भी लिखा हुआ है वो सभी चीज़ें अच्छी बनती हैं यहाँ पे। किसी ने भी अब तक मुझे ये चीज़ नहीं बोली है कस्टमर ने कि आपकी इस चीज़ में कमी थी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास काफ़ी अच्छा व्यू है जो यहाँ पे नीचे किसी होटल में नहीं है। और जैसे कोई रिव्यूज़ देके जाता होगा तो क्या कुछ कहते हैं लोग? रिव्यूज़ में सिर्फ अभी जो मेरे पास आए हैं उन्होंने सब ने ये बोला है कि हम दोबारा आएंगे, और कुछ लोगों के थ्रू दोबारा लोग आए भी हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं उत्तराखंड में? देखो, जो उत्तराखंड में आना चाहता है, घूमना चाहता है, सहजदारा है यहाँ पे नीचे, आप अच्छे से नहाने की जगह है, इतना दूर भी नहीं है, आप वॉक करके जा सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से शाम को बैठ सकते हैं, और लाइटिंग अच्छी है तो व्यू भी अच्छा है, उसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, लाइट म्यूजिक रहता है। वाकई में यहाँ पर व्यू का अगर मैं बात करूँ तो व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहाड़ है, पूरे चारों तरफ से पहाड़ आपको मिल जाएगी, और बिल्कुल वैली जैसी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और ये वैली में ही एक रिजॉर्ट आपको सुंदर सा नज़र आएगा, लाइटनिंग की पूरी सुविधाएँ यहाँ पर है। और जैसा कि हमारे जो ओनर है उन्होंने कहा कि यहाँ पर सहस्त्रधारा है, वहाँ पर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर पूल की सुविधा भी है, अगर यहाँ पर सर पूल में भी स्रोत का पानी आता है, हम वैसा कोई टैप वाटर नहीं है उसमें कोई भी, या उससे पानी आता, ऊपर से स्रोत आ रखा है, उसी से हम पानी उसमें भरते हैं, नेचुरल पानी, यानी कि नेचुरल पानी यहाँ पे आता है। तो हमने आपको दिखाया कि दून वैली रिजॉर्ट में जो सहस्त्रधारा रोड पर मौजूद है क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं, और खूबसूरत वादियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सारी सुविधाएं जो एक पर्यटन को चाहिए होती है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि जो भी पर्यटन दूसरे राज्य से आते हैं यहाँ पर ज़रूर आए और ठहरे यहाँ पर एक रात रह के, क्योंकि जो व्यू है वो देखने के लिए आपको पूरा एक रात ठहरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रात का व्यू होता है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।